जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्शन अमेरिका वादी चैनल। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की, जो 17 सितंबर 2020 को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के युवा बेरोजगार क्यों हैं? आखिर इसकी वजह क्या है और इसका समाधान क्या है, आगे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के भविष्य माने जाने वाले युवा सड़कों पर क्यों हैं? उनका जहां स्थान होना चाहिए वहां क्यों नहीं है? इसका एक ही कारण है, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें खाली पड़ी हुई नौकरियों को देने में असमर्थ हैं, और इतनी असमर्थ हैं कि उन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार हमारे देश के नौजवान युवा नौकरी के लिए, रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर। देखो हमारे सर का बाल झड़ गया, पढ़ पढ़ देखो हमारे सर का बाल झड़ गया, मेरे चश्मे का नंबर अब के साल बढ़ गया, मेरे चश्मे का नंबर अब के साल बढ़ गया, कोई करके घोटाला मालामाल हो गया। हमने SSC तुझे समझा था अपनी मोहब्बत के काबिल, हमने SSC तुझे समझा था अपनी मोहब्बत के काबिल, तेरे कारण सड़क पर आ गए हम, नौकरी की हमारी सारी आस खत्म, तू बिकती है SSC अब विश्वास हो गया, तू बिकती है SSC अब विश्वास हो गया, कर तू तो का तेरी अब पर्दा फाश हो गया, कर तू तो का तेरी अब पर्दा फाश। देश के युवाओं का कहना है कि हमने कितनी उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री, हमने कितनी उम्मीदें लगाई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री से, मगर क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, इसके बजाय हमारे देश का नुकसान हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था अपने भाषण में कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत अभी तक 1 करोड़ नौकरी की मांग में मात्र 1.77 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। देश के युवा सरकार से यह पूछ रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे क्या वो झूठे थे, क्या वो जुमला था या फिर वोट लेने का तरीका, हमारे जनता को भटकाना, अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाना। देश के युवा वहां भी है जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पर, ट्विटर अकाउंट पर अभी तक #बेरोजगारी दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे नंबर 1 ट्रेंड पे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। काम न मिलने की वजह से 42,480 किसानों ने आत्महत्या की, यह डेटा 2019 का है।
बात करें 2020 की, तो जून में अभी तक की लॉकडाउन में काफी किसानों ने अपनी जान गंवाई। यह गंभीर विषय है, यह एक गंभीर विषय है और मानवता के लिए बेहद दुखद है। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। आखिर 17 सितंबर को ही क्यों राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया? आगे भी मना सकते थे, पीछे भी मना सकते थे, मगर क्योंकि इसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। देश के युवा चाहते हैं कि शायद हमारी आवाज उन तक पहुंचे, शायद हमें नौकरियां मिले, शायद हमारा परिवार बच जाए। आखिर में सवाल यह उठता है कि हमारे देश के युवाओं को नौकरी मिलेंगी? क्या वह एक मकाम हासिल कर पाएंगे? क्या सोई हुई सरकारें जागेंगी, या चुनाव आते ही मीठी मीठी बातें करेंगे? दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि न्याय हक के आड़ में सरकार आए तो न्याय हक के आड़ में सरकार आए तो विद्रोह करो, पर जुल्म मत सहो। इसी साथ मैं बिता लेता हूँ आज के लिए, सिर्फ इतना ही। जय भीम, नमो बधाई।